नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC GD के रिगार्डिंग। जो आपके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं उसमें आपकी जो उम्र सीमा है वो आपकी क्या रखी गई है। अगर आपकी ये एज है, आप इस एज के अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आय में आपको कितनी छूट मिलती है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा सके। अगर आप ऐसी ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। और SSC GD के रिगार्डिंग जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। वहाँ पे हर एक प्रश्न के आपके वहाँ पे जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर जो एज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो लिखा हुआ एज लिमिट। एज लिमिट में कह रहा है कि आपके जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और कब एज होनी चाहिए, तो आपकी जो एज है वो आपकी 1/1/2024 को, आपकी एज को यहाँ पे इस तारीख तक आपकी काउंट किया गया है। 1/1/2024 तक आपकी एज है उसको काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न, यानी जो कैंडिडेट्स है वो आपका बॉर्न ना हुआ हो, यानी उनका जन्म है वो आपका 2/1 और आपका 2001, 2001, 2001 से पहले ना हुआ हो आपका जन्म। इससे पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो, इससे पहले अगर आपकी डेट हुए तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर जो बात की जा रही है नेक्स्ट में, तो कहा जा रहा है कि 1/1/2000 आपका ये क्या है, 2006 इन नॉर्मल कोर्स। तो आपका यहाँ पे 1/1/2006 इन नॉर्मल कोर्स, तो आपका 1/1/2006 तक आपका यहाँ पे जो एज है वो आपका यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अगर बाद का है, बाद की अगर आप हो तो आपका नहीं लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो डेट है ऑफ बर्थ है वो स्टार्ट हो रहा है 02 तारीख, पहला महीना और 2006, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस डेट के अंतर्गत ही, इन दो डेट्स के अंतर्गत ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। किसके केस में, जनरल के केस में, जनरल वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके केस में ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, उसी हिसाब से अपने एज रिलैक्सेशन को यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि SC और ST को जो छूट मिलती है वो 5 साल की मिलती है, तो 5 साल कम कर लो। SC ST वाले कैंडिडेट्स 5 साल कम कर लो, यानी जो आपकी यहाँ पे जो डेट ली गई है 2/1/2001, तो 2001 से आप 5 साल कम कर लो, तो 1 गया और 4 उधर गया, ठीक है, तो लगभग आपका 96 तक चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो OBC वाले कैंडिडेट्स हैं वो आपकी 3 साल की छूट लेते हैं, तो इसमें से 2001 में से 3 साल हटा दीजिएगा तो आपको यहाँ पे एज देखने के लिए मिल जाएगी लगभग 1998 के लगभग अगर आपकी होगी तो आप वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्स सर्विस मैन की बात की गई, 3 साल की इनको भी छूट मिलती है, तो 3 साल कम कर लीजिएगा, इस डेट में से 3 साल कम कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कहा गया है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट एंड विक्टम किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। तो ये यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे, यानी जो बच्चे थे वो आपके यहाँ पे डिपेंडेंट हैं और आपके विक्टिम हैं, किल्ड जो 1984 में आपके जो दंगे हुए थे उसमें जो मारे गए थे, और 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उनमें मारे गए थे, उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जा रही है ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से आप यहाँ पे 1984 जो OBC वाले कैंडिडेट्स हैं, 1984 और 2002 में दंगों में जो यहाँ पे जो बच्चे रह गए हैं उनके, जिनके माता पिता यहाँ पे मतलब मर गए या परिवार खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं, EWS वाले कैंडिडेट्स, उनको 5 साल की छूट है। OBC वालों को यहाँ पर जो छूट है वो 8 साल की छूट है। ठीक है, तो उसी तरीके से 2001 में से 8 साल छूट कम कर लीजिएगा। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम, तो यहाँ पर जो ये जो कैटेगरी है उसके लिए आपके 10 साल की छूट है। SC ST के लिए यहाँ पर इन्हीं के लिए 10 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है, तो ये आपको छूट दी जा रही है, तो एज में आप छूट देख सकते हो। और यहाँ पर कब तक के आप अप्लाई कर सकते हो उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया।
अगर आपको इसके बावजूद भी अगर कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई जरूर से दूंगा। ओके, थैंक यू।